हजारों साल पहले हस्तिनापुर की रक्षा करते थे जादूगर धर्मा। वो उस सदी के सबसे बड़े जादूगर थे। उनकी शक्तियों से डरकर कोई दुश्मन हस्तिनापुर में कदम तक नहीं रखता था। जादूगर धर्मा की 3 पुत्रियां थीं, शक्ति, मुक्ति और युक्ति। जादूगर धर्मा ही अपनी 3 बेटियों के गुरु थे। शक्ति अपने नाम की तरह शक्ति से भरी हुई थी। वो पल भर में भारी से भारी चीज हवा में उड़ा देती थी। बाबा, आज मैंने वो पहाड़ हवा में उड़ा दिया था। बहुत अच्छे शक्ति, अभ्यास जारी रखो। मुक्ति अपने नाम की तरह मुक्त थी। गुरुत्वाकर्षण के कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होते थे। वो हवा में उड़ सकती थी, पानी पे चल सकती थी और आग पर भी चल सकती थी। बाबा, क्या इतनी शक्तियाँ काफी नहीं? शक्तियाँ तो काफी हैं बेटा, पर अगर इनका अच्छे से अभ्यास ना किया जाए तो इनके होने का कोई वजूद नहीं होता बेटा। जी बाबा। सबसे छोटी बेटी थी युक्ति। युक्ति अपनी दोनों बहनों की तरह शक्तिशाली नहीं थी और ना ही उसमें कोई जादुई गुण था। वो आसान से आसान जादू भी ढंग से नहीं कर पाती थी। मुझसे नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा युक्ति, क्या नहीं हो रहा? मुझसे तो ये पंख तक नहीं उड़ रहे। समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे क्यों हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। शक्ति और मुक्ति दीदी दोनों कितनी शक्तिशाली हैं और मैं ऐसी। इसमें क्या गलत है? अगर तुम में कोई जादुई शक्ति नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शक्तिशाली नहीं हो। मैं समझी नहीं। तुम में प्यार, तुम अपनों के लिए लड़ सकती हो। याद है पिछले साल जब मुक्ति बीमार पड़ी थी तो तुम ही तो थी जो उसकी सेवा कर रही थी। तुमने ही उसे ठीक किया था। मैंने कहा बाबा, आपकी दवाइयों ने मुक्ति दीदी को ठीक किया है। दवाइयां तो थी बेटा, पर जो इन सबसे ज्यादा असरदार था वो था तुम्हारा प्यार। शायद अगर तुम मुक्ति की इतनी सेवा ना करती तो मुक्ति इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। बिल्कुल सही बाबा। और याद है युक्ति, जब उस दिन मुझे पहाड़ से चोट आई थी तो तुमने ही मेरी जान बचाई थी। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तुम्हारे प्यार में बहुत शक्ति है। सच में? और नहीं तो क्या, तू तो हम सब की जान है युक्ति। तू एक माँ की तरह हम सब का ख्याल रखती है और मैं जानता हूँ तू एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। ठीक है बाबा, और तब तक मैं कोशिश करती रहूँगी। जादूगर धर्मा अपनी 3 बेटियों को प्रशिक्षण देते रहे। वो 3 दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। देखिए बाबा, आज मैंने इस पंख को हवा में उड़ाया है। वाह, बहुत बढ़िया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पूरा परिवार खुश था। जादूगर धर्मा और 3 जादूगरनियों को गांव वाले भगवान की तरह मानते थे। मगध के बुरे जादूगर की नजर हंसते खेलते हस्तिनापुर पर पड़ी और उसने ठान लिया कि वो हस्तिनापुर पर राज करेगा। इस उद्देश्य से मगध का जादूगर हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंच गया और उसका सामना जादूगर धर्मा से हुआ। तो तुम ही हो वो शक्तिशाली जादूगर धर्मा? हाँ, मैं ही हूँ। सुना है तुम्हारा नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मगध के जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर पटकी और धरती थर थर कांपने लगी। ये धरती भी मेरे इशारों पे चलती है। जादूगर धर्मा ने अपने हाथों को हवा में घुमाया और एक ऊर्जा का गोला बनाया। इस ऊर्जा के गोले को मगध के जादूगर की ओर फेंका। मगध के जादूगर ने उस ऊर्जा के गोले को खा लिया। ये क्या, तुमने तो मुझे निराश कर दिया जादूगर धर्मा। जादूगर धर्मा ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी सारी ताकत से एक बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला बनाया। इस बार जादूगर धर्मा ने ये गोला मगध के जादूगर की ओर फेंका तो उसने इस ऊर्जा के गोले को रोक लिया और वापस
उस ऊर्जा के गोले को जादूगर धर्मा की ओर फेंका। जादूगर धर्मा इस ऊर्जा के गोले को रोक न पाए और घायल हो गए। हमें बाबा की मदद करनी होगी। हाँ, अब जादूगर धर्मा के साथ उनकी बेटियां शक्ति और मुक्ति थीं। शक्ति ने अपनी शक्तियों से एक पहाड़ को मगध के जादूगर की ओर फेंका। जादूगर ने उस पहाड़ की ओर अपनी छड़ी की और उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इनमें से एक टुकड़ा शक्ति के सिर पर लग गया। इसके बाद मुक्ति ने हवा में उड़कर मगध के जादूगर पर हमला किया, पर सारे हमले नाकाम रहे। मगध के जादूगर ने सारे हमलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक हमले में मुक्ति घायल हो चुकी थी। युक्ति ने मुक्ति को संभाला। मगध के जादूगर की शक्तियां देखकर जादूगर धर्मा समझ गए, हमें हमारी सारी शक्तियां एक करनी होगी, तभी हम इस जादूगर को रोक पाएंगे। हाँ बाबा, पर हम सब घायल हैं। तभी उन तीनों की नजर युक्ति पर गई। लेकिन मैं कैसे? मुझे तो ठीक से जादू करना भी नहीं आता और मेरा तो अभ्यास भी ठीक नहीं है। हमें तुम पर विश्वास है युक्ति, भरोसा करो, तुम कर सकती हो। युक्ति ने अपनी आंखें बंद की और जादूगर धर्मा ने अपनी सारी शक्तियां युक्ति को दे दी। फिर शक्ति और मुक्ति ने भी अपनी सारी शक्तियां युक्ति को दे दी। अब युक्ति के पास पूरे परिवार की शक्तियां थी। युक्ति ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला थी। वो अपनी बड़ी बहन मुक्ति की तरह उड़ सकती थी और उसके पास शक्ति की ताकत थी और अपने बाबा की जादुई ऊर्जा। इन सब का मिश्रण करके उसने उड़ते हुए पूरी शक्ति से मगध के जादूगर की ओर एक बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला फेंका। जादूगर इतनी शक्तियां एक साथ झेल न पाया। वो जख्मी हो गया। उसकी जादुई छड़ी टूट गई। आंखों में ज्वाला लेकर जब युक्ति जादूगर की ओर बढ़ी तो फिर, मुझे छोड़ दो, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। हस्तिनापुर हमारा परिवार है, भूल कर भी मेरे परिवार को हानि पहुंचाने की मत सोचना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगध का जादूगर तुम दबा कर भाग गया। युक्ति अपने घायल पिता के पास गई। आप ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक। बाबा, मैं ये कैसे कर पाई? क्योंकि हमें तुम पर विश्वास था, मुझे विश्वास था, तेरी बड़ी बहनों को तुम पर विश्वास था, और विश्वास से ज्यादा शक्तिशाली और कोई चीज नहीं है। उस दिन मगध के जादूगर को एक चीज समझ आ गई थी कि एकता में शक्ति है। जादूगर धर्मा और तीनों जादूगरनियों की एकता ही उनकी ताकत है।